हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक नीट यू जी दिस इज़ डॉक्टर शिवानी भार्गव आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स एक्चुअली थोड़ा सा नेट इशू चल रहा था बट आज वो सॉर्टेड हो गया है थोड़ा सा मौसम यहाँ पर ख़राब है इसलिए और मैं लेट इसलिए हूँ मुझे पता था अभी मेरी बात हुई थी कंपनी में कि पाँच दस मिनट में चालू होने वाला है और मुझे सेशन अबाउट नहीं करना था इसीलिए मैं 10-15 मिनट 10 मिनट लेट हूँ आज आप लोगों के साथ ठीक है बट कोई बात नहीं जितना भी मैं लेट हुई हूँ इस सबकी भरपाई हम आज के सेशन में कर लेंगे ठीक है ऑल ऑफ़ यू गाइज रेडी फॉर टुडे सेशन सुपर एटीज़ के बारे में जानना है मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ आप सेशन के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा या फिर उस पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा सेम कॉन्टैक्स कि मुझे इस बारे में जानना है आई विल रिवर्ट यू आई विल रिवर्ट यू ठीक है तो गाइस फटाफट से लिंक को शेयर कर लो यार फटाफट से लिंक को एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गला जा रखा है एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो सो आई कैन स्टार्ट विद द सेशन प्लीज लेट मी नो बच्चों लेट मी नो एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंडबल टू ऑल ऑफ यू एम आई प्रॉपरली ऑडिबल visible? यस यस ओके 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 मैम क्या दो ईयर ड्रॉपर आपके चैनल से बिल्कुल कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते वराइटी ऑफ स्टूडेंट कुछ लोग बी एस सी करने के बाद भी नीट का प्रिपरेशन करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं बच्चा तो फटाफट से हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे आज ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गया है तो चलो बच्चों। आप लोग फटाफट से लिंक को शेयर करो जब तक मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है अगर आप चाहते हैं कि आप साल भर मेरे साथ जुड़कर मेरी मेंटरशिप में मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में नीट की तैयारी करें तो आप अनकेडमी प्लस जो कि हमारा पेड प्लेटफॉर्म है यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर्स 40 प्लस टॉप एडुकेटर्स यहाँ पर अवेलेबल है जिनके साथ जुड़कर आप नीट की तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर क्या मिलता है प्लस प्लेटफॉर्म पर तो बच्चा प्लस पर आपको रेगुलर लाइव क्लासेस यहाँ पर मिलती है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रेगुलर लाइव सेशंस होते हैं लेकिन यूट्यूब के लिए तरह नहीं होते बहुत ही इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है ये स्पेशली लर्निंग के लिए डिज़ाइन किया गया है आपका और मेरा वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है क्लासरूम वाला फील देता है आप सारे डाउट्स यहाँ पर आपके मतलब सॉल्व किए जाते हैं और इवन तो हर तीन क्लास के बाद एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है लाइफ टेस्ट एंड क्विजेज यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके लिए और यहाँ पर रिवीजन सीरीज भी चलती है मतलब जस्ट ये नहीं कि कोर्स कंप्लीट कर दिया इसके बाद इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स द्वारा उनके कुछ सेल्फ डिज़ाइन कोर्सेज हैं जैसे कि कैप्सूल कोर्स रैंक बूस्टर कोर्स सक्सेस बूस्टर कोर्स ठीक है इस तरीके से आपको बेहतरीन रिविजन का मौका यहाँ पर मिलता है और सबसे खास चीज़ जो मेरे इस प्लेटफॉर्म को बाकी सबसे डिफर करता है वो है इसका अनलिमिटेड एक्सेस यानी कि जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आपके लिए सारे एडुकेटर्स अनलॉक हो जाते हैं आपकी मर्जी ऐप आप जिनके साथ शुरुआत कर सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चा अब आप इसको कैसे सब्सक्राइब करेंगे सिंपल से स्टेप्स हैं आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएंगे प्ले स्टोर पर जाने के बाद अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे उसके तुरंत बाद ही आपको गेट सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है आप उस पर क्लिक करेंगे फिर वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछेगा जिसमें आपको नीट यू फिल करना है नीट यू जैसे ही आप फिल करेंगे इस तरीके से सब्सक्रिप्शन ऑप्शन अवेलेबल हैं वन थ्री सिक्स ट्वेल्व एंड ट्वेंटी फोर मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन अवेलेबल हैं जितने ज़्यादा ड्यूरेशन का ये सब्सक्रिप्शन है उतना ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और वैसे भी नीट की तैयारी में हमें एक से दो साल लगता है तो एक से दो साल का ही सब्सक्रिप्शन हमें लेना है यह आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है बच्चा कैसे अल्टीमेटली लेना ही हमें इतना ही पड़ेगा अगर मैं तीन महीने का लूंगी तो मुझे पंद्रह हजार का पड़ेगा मुझे छह महीने के लिए ही तीस हजार पे करने पड़ जाएंगे और तीस हजार में तो मुझे पूरा एक साल का मिल रहा है और वन ईयर के सब्सक्रिप्शन में सिर्फ एक महीने का पेमेंट आपको एक्स्ट्रा करना है वन मंथ एक्स्ट्रा पेमेंट ओनली एक महीने के एक्स्ट्रा पेमेंट में पूरा एक साल फ्री मिल रहा है देखो थर्टी में एक महीना सिक्स थाउजेंड एड किया तो थर्टी सिक्स पूरा दो साल का सब्सक्रिप्शन मिल गया वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है इर ऑफ योर टारगेट ईयर वेदर इट इज ट्वेंटी 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 टू यू कैन गो फॉर टू ईयर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन रीजन क्या एक तो बच्चा इससे ऐसा तो है नहीं दो साल के सब्सक्रिप्शन से क्या हो रहा है मान लीजिए अगर आपका कोई डेट फ्लक्चुएट होता है ठीक है एक हाथ महीना एक्सटेंड होता है पता लगा रिवीजन सीरीज चल रही है आपको एक महीने का एक्सटेंशन लेना पड़ जाए तो वही दो साल का प्राइस हो जाएगा और मान लो ऐसा नहीं भी होता और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और उससे एक साल के सब्सक्रिप्शन के कोई भी हंसी खुशी आपको छः हज़ार रुपये दे देगा प्लस पर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट प्लान है टू ऑफ ताकि आप वन ईयर सब्सक्रिप्शन पर भी जा सकते हैं सब्सक्राइब करते वक्त इसकी फीस को कम करने का एक और तरीका है सब्सक्राइब करते वक्त आपको मेरा ये कोड अप्लाई करना है जो कि मेरा नाम है सिंपल सा मेरा नाम है शिवानी इस कोड को अप्लाई करने के बहुत सारे फायदे हैं सबसे पहला फायदा आपको अप्लाई करते ही दिखाई देगा वह आपको फीस पर सीधा सीधा दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा प्लस आप इससे डायरेक्टली जब आप ये सब्सक्रिप्शन लोगे तो इस कोड का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिए इससे आप डायरेक्टली मेरी मेंटरशिप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पर जुड़ जाएंगे मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाएंगे मेरे सुपर एटीज़ का एक पार्ट बन सकते हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएँ रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए बैकलॉग कैसे कवर करना है ऐसे शॉर्ट नोट्स जो लास्ट के एक महीने में मैं बायो को एकदम ऑन टिप्स कर सकूँ वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी मतलब पूरा थ्रू आउट द ईयर थ्रू आउट द नीड मैं ही आपको मेंटर करने वाली हूँ सिर्फ बायो में नहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी और फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट आपको क्या करना है इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेटा वो मैं शेयर कर रही हूँ ठीक है बिल्कुल आप ट्वेल्थ पास आपने दो में की थी आप नीट का एग्जाम दे सकते हो बच्चा दे सकते हो इलेवेंथ की टाइमिंग क्या है बच्चा यहाँ पर प्लस प्लस पर तो मैं सुबह साढ़े सात बजे क्लास लेती हूँ और यहाँ पर रोज़ साढ़े नौ बजे इलेवंथ एक दिन ट्वेल्थ हमारा ऐसे चल रहा है लेकिन जो इलेवंथ वाला बच्चा भी है तो उसे ट्वेल्थ के सेशंस भी लगाने क्योंकि मैं किसी डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ नीट की तैयारी कर रही हूँ तो चाहे आप इलेवंथ में हो चाहे आप ट्वेल्थ में हो चाहे आप ड्रॉपर हो यानी कि आपका टारगेट ईयर मैं बता दूँ आपका टारगेट ईयर अगर नीट ट्वेंटी या ट्वेंटी है तो आप इस पर आ सकते हैं ठीक है तो आप साढ़े बजे मुझे लेट्स क्रैक पर मिलिए एक सेकेंड आई एम गोइंग टू गिव यू माई कॉन्टैक्ट नंबर वेट अ मिनिट गोइंग दिस थिंग टू शेयर विद यू और आज सेशन थोड़ा सा लंबा करेंगे भाई आज थोड़ा लेट तक क्लास चलेगी अपनी शुरू करते हैं मेरे बच्चों Yes. Let's get started, my dear <coughs> तो uh, अगर क्लास सेशन के अंदर हम लोगों ने इस कौन कौन से ट्रेड लिए थे वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे मैंडलिज्म आपके साथ लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुकी थी इंटोडे सेशन वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स और हम इसे ऑन टिप्स कर लेंगे एकदम इंटरडेज सेशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ द टेक्निक ऑफ मेंडल मेंडल सर की टेक्निक आज हम लोग डिस्कस करने वाले है. कि क्या है कैसे है तो सुनिए इन्होंने इमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक डेवलप की थी फॉर द हाइब्रोडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन पी प्लांट इट इज द नेम ऑफ दिस टेक्निक इट इज द इमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक फॉर द हाइब्रोडाइजेशन इन पी प्लांट क्या था इनका ये टेक्निक देखो इमास्कुलेशन एंड बैगिंग सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है सुनो पहले मैं आपको टेक्निक ध्यान से आपको क्लियर हो जाए आपके जो इन दिस मैथड ये जो इमास्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक जो है ना फ्लार ऑफ पी प्लांट आर बायसेक्चुअल यानि कि मेल और फीमेल दोनों इस पर प्रेजेंट होते हैं तो उन्हीं के अंदर जो फ्लार्स बायसेक्चुअल हैं उन्हीं के अंदर इमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक हम परफॉर्म करते हैं एक्चुअली क्या होता है इसके अंदर इसमें एक को हम मेल कंसिडर आउट करते हैं एक को फीमेल कंसिडर आउट करते हैं बट ये बायसेक्सुअल है मेल फीमेल सेम पर ही प्रेजेंट है तो एंड बैगिंग टेक्निक में क्या करते हैं बच्चा का मतलब होता है रिमूवल रिमूवल ऑफ ऑफ का मतलब ही होता है एंथर दिस इज द इमासकुलेशन तो अगर आप एंथर को रिमूव कर देंगे तो यानी कि मेल पार्ट वहां से गया तो वो पार्ट हो गया फीमेल और ऐसे ही एक से उसको कर देंगे तो इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक सबसे पहला वैरायटी जो यहां से बनता है मेरे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि इमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक हमें करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है हम नहीं चाहते सेल्फ पॉलिनेशन हो ठीक है तो ये कब पॉसिबल है जब फ्लावर बायसेक्सुअल होगा क्योंकि मेल और फीमेल सेम प्लांट पर सेम फ्लावर पर प्रेजेंट होंगे तो बायसेक्शुअल के अंदर करने की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले एंथर को रिमूव करते हैं तो उसको फीमेल बनाएंगे पहले तो इमास्क्युलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर तो जब आपने एंथर को रिमूव कर दिया इमास्क्युलेशन टेक्निक आपने अप्लाई कर दी तो इसका क्या फायदा आपको नजर आ जाएगा ये आपका प्रिवेंट द इट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन ये सेल्फ पॉलिनेशन को तो बचा लेगा इट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन दिस इज द रोल ऑफ इमेस्क्यूलेशन अभी मेल सेम का है ही नहीं ना तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता तो आप इमेस्कुलेशन पहली चीज आप इमेस्क्यूलेशन करते हैं इमेस्क्यूलेशन में क्या करते हैं एंथर को हम लोग वहां से रिमूव कर देते हैं तो उससे क्या होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन जो है ये बच जाता है इट प्रिवेंट्स द सेल्फ पॉलिनेशन दिस इज द इमास्क्युलेन टेक्निक ये हो गया इसके बाद क्या करते हैं बैगिंग बैगिंग में क्या होता है अभी ये जो पार्ट है ना आप इसे बैग से टाई कर दोगे आप इसके बाद करते हैं बैगिंग बैगिंग में क्या करते हैं आप इस पार्ट को मैस्कुलेटेड पार्ट को बैग से टाई कर देते हो क्यों करते हो बैग से टाई सेल्फ पॉलिनेशन तो ने बचा लिया अब जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा ये भी ऐसा नहीं कि कोई भी आके क्रॉस पॉलिनेट कर जाए अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जिसके साथ आप चाहते हैं वही क्रॉस पॉलिनेशन हो तो अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल टू प्रिवेंट द अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन बैगिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है मेरे बच्चों अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम करते हैं हम यूज करते हैं बैगिंग टेक्निक ठीक है तो इमेस्क्युलेन में तो आपने आंसर को रिमूव कर दिया बैगिंग टेक्निक के अंदर अपन बैग से टाई कर देते हैं टू रिमूव टू प्रिवेंट द अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन फिर जिसके पोलन ग्रीन आप चाहते हैं आप यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे पोलन ग्रीन्स को फिर आपके डिजायरेबल सीड्स जो है यहाँ से निकलते हैं दिस इज द इमेस्क्यूशन एंड बैगिंग टेक्निक विच आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी राइट नाव ओवा क्लियर है क्या मेरे बच्चे यहाँ तक की सारी चीजें टेक्निक का इस्तेमाल किया था सर ने टू परफॉर्म द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन पी प्लांट क्या क्या क्वेश्चन यहां से बनते हैं देखो एक वैरायटी तो यही बनता है इमेस्क्यूलेशन क्या है तो बहुत आसान है 90 परसेंट जनता सही ही करेगी इमेस्क्यूलेशन क्या है इट इज द पहला वैरायटी रिमूवल ऑफ एंथर क्या करता है इट प्रिवेंट्स द सेल्फ पॉलिनेशन 90 परसेंट जनता सही हिट करती है दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज बैगिंग आप इसको इमेस्कुलेटेड पार्ट को एक बैग से टाई कर देते हो इसका फंक्शन ये अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन को बचाता है ये भी 90 परसेंट जनता सही कर देती है अब वो थोड़ा सा ट्विस्ट खेलता है इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे आती सबको यही चीज़ है बट फिर भी अटक जाते हैं तो ये ध्यान रखना इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक कहाँ परफॉर्म की जाती है वो कभी कभी यूनिसेक्शल फ्लावर डाल देता है तो भाई उसमें जरूरत ही कहाँ है मेल और फीमेल ऑलरेडी अलग अलग हैं जिसमें मेल और फीमेल सेम उस पर है उसी के अंदर फ्लावर्स के अंदर हमें एंड इमस, बैगिंग टेक्निक की जरूरत पड़ती है तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें बच्ची गलती करता है गड़बड़ घोटाला करता है बट आप याद रखिएगा बेटा ठीक है क्लियर है यहां तक सभी को यस आई कैन सी क्लियर टू एवरी रेज योर थॉन्स गाइज इज क्लियर टू एवरी वन दिस इज द इलेन एंड बैगिंग टेक्निक नेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं मेरे बच्चों यहां तक क्लियर है तो प्लीज रेज योर थम सो आई कैन फर्दर प्रोसीड सो आई कैन फर्दर प्रोसीड मेरे बच्चों यस क्लियर क्लियर चलिए नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है बहुत ध्यान से सुनना सारे कॉन्सेप्ट आपके यहां क्लियर हो जाने चाहिए तो सुनिए बेटा क्या होता है मोनोहाइब्रिड <coughs> क्रॉस क्या होता है मोनो का मतलब क्या है वन तो वैन वी कंसिडर द इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम जब एक बार में एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को हम स्टडी करें इट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिख लीजिए क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हेन वी स्टडी when we study the inheritance of when we study the inheritance of only mono yani ki one so when we study the inheritance of one character at a time वेन वी स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम तो इसे हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस ठीक है बेटा अब इसके आगे की जितनी भी राम कहानी मैं आपको सुनाऊंगी इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और जेनेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट बनने अब यहाँ से आपके शुरू हो जाएंगे तो मैं जैसे ही है ये पढ़ा मतलब खत्म करूंगी मोनोहाइब्रिड में सबसे पहले आपके डाउट्स यहाँ पर यूट्यूब पर भी लूंगी जिससे कि आप क्लियर कर सको ठीक है तब बहुत ध्यान से सुनना बेटा बहुत ध्यान से सुनना स्क्रीन शॉट लेना है ले खटाक से मैं चेंज कर रही हूँ ठीक है सुनिए बच्चा पूरा बोर्डवर्क से पढ़ेंगे ही हम डोंट वरी मेंडल सर ने क्या लिया और एग्जैक्टली exactly क्या था ये मैं दूसरे अलग अलग इंक नोटेशन से आपके दिखाऊंगी मैंडल सर ने क्या किया प्योर टॉल प्लांट को प्योर प्लांट के साथ क्रॉस कराया प्योर टॉल प्लांट को प्योर टॉल प्लांट को मैंडल सर ने यही देखा था प्योर डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया सेकेंडिया आपके टॉल प्लांट को प्योर टॉल को प्योर के साथ क्रॉस कराया। अब बच्चे प्योर टॉल यानी कि दोनों कैपिटल टी प्योर डॉर्फ यानी कि दोनों स्मॉल टी मैंडल सर ने ये जीनोटाइप नहीं देखा था उन्होंने बाहर से टॉल को डॉर्फ के साथ क्रॉस कराया जब इन्होंने इसको इसके साथ क्रॉस कराया तो जो F1 वन जनरेशन जो मिली हां बेटा F1 वन जेनरेशन क्या होगी क्रॉस कराओ दोनों कैपिटल T दोनों स्मॉल टी जनरेशन जेनरेशन T स्मॉल t, t मिलेगी आपको कैप टॉल ही देखने को मिली ये तो मैंडल सर ने देखा कि F1 वन जेनरेशन टॉल ही है एग्जैक्टली exactly था क्या एग्जैक्टली exactly ये था देखो एग्जैक्टली exactly ये सीनैरियो उनको देखने को मिला टी स्मॉल ही बात है ना बच्चा ये आपको क्लियर होगा दोनों टी ठीक है दोनों स्मॉल टी मैं तो एक की तरह का गैमेट बनाऊ ना कैपिटल टी टी यही तो मिलेगा तो यही तो है और मेंडल सर का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है इन आपके हीटर कंडीशन में कैपिटल टी टी टॉल ही दिखेगा तो एफ वन जनरेशन उनको मिली ये थी कैपिटल टी स्मॉल उनने देखा कि भाई टॉल ही है उनने देखा ये जो मैं येलो कलर से लिख रही हूँ कि टॉल दिखी उनको तो एफ वन जनरेशन के बेस पर मैंडल सर ने ये कह दिया ये कंक्लूजन निकाल दिया कि भाई जो एफ वन जनरेशन है वो अपने किसी एक पेरेंट की तरह दोनों की तरह नहीं एफ वन जनरेशन जो मिलती है वो अपने किसी एक पेरेंट की तरह ही दिखती है एफ वन जनरेशन अपने इस पेरेंट की तरह थी क्योंकि ये भी टॉल दिखा ये भी टॉल दिखा तो उन्होंने ये कह दिया कि एफ वन जनरेशन अपने किसी एक पेरेंट की तरह दिखती है किसी भी कैरेक्टर की ब्लेंडिंग या मिक्सिंग या नहीं हो रही दोनों के पेरेंट के कैरेक्टर नहीं एक्सप्रेस हो रहे किसी एक पेरेंट की तरह एफ वन जनरेशन दिखती है ये मेंडल सर ने एफ वन क्रॉस के बेस पर कंक्लूजन दे दिया ठीक अब मैंडल सर ने क्या किया मेरे बच्चों इसकी कराई सेल्फिंग अब आप सेल्फिंग करा लो कैप एग्जैक्टली सेल्फिंग में कैपिटल टी स्मॉल टी है ना एफ टू जनरेशन क्या मिलेगा मैं आपको बताती हूँ हाँ मेरा बच्चा कैपिटल टी स्मॉल टी है ना तो दिस इज द कैपिटल टी दिस इज द स्मॉल टी गैमेट फॉर्मेशन करके मैं डायरेक्टली क्रॉस करा रही हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी सेल्फिंग करा रहे हो ना इसका क्रॉस इसी के साथ होगा इसका क्रॉस इसी के साथ होगा तो कराइए दोनों कैपिटल टी इधर कैपिटल टी स्मॉल टी इधर कैपिटल टी स्मॉल टी इधर दोनों स्मॉल टी तो मेंडेल सर ने जो देखा वो मैं बताऊं मैंडल सर ने तो कह दिया इस कंक्लूजन के बेस पर ये टॉल दिखेगा ये भी टॉल दिखेगा और ये भी टॉल दिखेगा तो उनने बोला कि टॉल प्लांट्स हैं तीन और ये वाला जो प्लांट है बेटा डॉर्फ दिखेगा तो उन्हें कह दिया कि टॉल और डॉर्फ मिल रहे हैं तीन और एक लेकिन एग्जैक्टली exactly क्या था एग्जैक्टली exactly तो ये था एग्जैक्टली exactly ये था लेकिन मेंडल सर ने क्या देखा कि तीन तो टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं एक डॉर्फ मिल रहा है उन्होंने जीनोटाइप नहीं देखा ये ऐसे देखा F2 टू जनरेशन के बेस पर मैंडल सर ने ये कंक्लूजन दे दिया मैंडल सर ने F1 वन में तो देखा कि F1 वन जनरेशन अपने किसी एक पेरेंट की तरह दिखती है F2 टू के रिजल्ट को देखकर मेंडल सर बहुत शॉक थे बहुत सरप्राइज थे मेंडल सर ने ये देखा F2 टू जनरेशन में कि भाई जो कैरेक्टर जो कैरेक्टर अपना एफ वन जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ था दैट इज एस ड्वार्फ प्लांट जो कैरेक्टर एफ वन जेनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ वो कैरेक्टर अब एफ टू जेनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है लेकिन एफ टू जनरेशन कोई कैरेक्टर्स की मिक्सिंग नहीं है कोई कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं है एफ टू जेनरेशन अपने दोनों पेरेंट की ही तरह है टॉल और डॉफ तो पेरेंट की तरह हो गई ना तो ये चीज मेंडल सर ने कही समझ में आई बच्चे बात जो ग्रीन प्लान पेन से ना ये ऐसे क्यों कंक्लूजन निकला ये एक्सप्लेन करने के लिए है अच्छा ये मैंने ग्रीन से ही कर दिया इसको मैं येलो कर देती हूं रुक जाओ मेंडल सर ने येलो वाली चीजें देखी थी ग्रीन तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ डॉफ है तो कैसे उसका एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ग्रीन डाला है तो मेंडल सर ने प्योर टॉल को प्योर डॉफ के साथ क्रॉस कराया तो आफ वन जनरेशन कैपिटल स्मॉल भले ही थी लेकिन दिखेगी तो टॉल ना तो उनको ये टॉल ही दिखी तो एफ वन जनरेशन के बेस पर ये कंक्लूजन निकाल दिया मैंडल सर ने जबकि देखा जाए तो जीरो टिपिकली अपने पेरेंट की तरह नहीं है बट मेंडल सर ने ये नहीं देखा मंडल सर ने ये, ये देखा तो उनने कह दिया कि भाई जो आपका जनरेशन है ये जो एफ वन जनरेशन है ये अपने किसी एक पेरेंट की तरह इसकी तरह है ना तो उन्होंने ये बोल दिया कि एफ वन जनरेशन अपने किसी एक पेरेंट की तरह दिखती है ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी अपने किसी एक पेरेंट की तरह है तो ये कंक्लूजन मेंडल सर का था एफ वन जनरेशन के बेस पर फिर मेंडल सर ने क्या किया इसकी करवाई सेल्फिंग तो जब इसकी सेल्फिंग कराई तो क्या हुआ सेल्फिंग कराने से क्या हुआ बच्चा ये इस तरीके से आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ये इस तरीके से देखा तो तीन तो टॉल दिखा एक डॉर्फ दिखा मेंडल सर को ये दिखा बट एक्चुअली ये था होमोजाइगस टॉल एक था हीट्रोजाइगस टॉल एक था और एक डॉर्फ था बट सर ने ये नहीं देखा सर ने कहा तीन प्लांट टॉल है एक ड्वार्फ है यानी कि उनको इस एफ टू को देखकर बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स उनको यहाँ पर देखने को मिले वो ये था कि एफ टू जनरेशन जो है ये अपने दोनों पेरेंट की तरह दिखाई देती है जो चीज़ एफ वन जनरेशन में नहीं दिखाई दी वो आपको एफ टू जनरेशन में दिखाई दे रही है तो दिस इज द थिंग उन्होंने तो कहा कि एफ टू जो है ये भाई अपने दोनों पेरेंट की तरह दिखाई देती है किसी कैरेक्टर की ब्लेंडिंग या फिर मिक्सिंग यहाँ पर नहीं हो रही है ठीक है तो ये उनका कंक्लूजन था अब इस बेस पर मेंडल सर ने एक चीज़ बोला आप अपनी एनसीआर पढ़ना है में ये लाइन लिखी हुई है और बेसिक से इसलिए पढ़ा रही हूँ बच्चा दिस बैच इज फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू नॉट फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी तो ट्वेंटी ट्वेंटी वाले भी पढ़ सकते हैं बट मैं इसमें बेसिक से ही पढ़ाऊँ क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ मेरा बच्चा ट्वेंटी ट्वेंटी वन और ट्वेंटी ट्वेंटी टू वाला है ठीक है अब सुनो मेंडल सर ने क्या बोला इस क्रॉस के बेस पर मैंडल सर ने बोला जो चीज एफ वन में नहीं एक्सप्रेस हुई वो एफ टू में हुई ना तो मेंडल सर ने ये बोला कि कोई ऐसी चीज है जो बिना चेंज हुए कॉन्स्टेंटली जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफर हो रही है मेंडल सर ने उन्हें फैक्टर्स कहा जिसे जॉनसन्स ने बाद में जीन्स कहा होता और जिसे आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं और यही बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है मेंडल सर का कि भाई मैंने आपको बोला मैं मोनोहाइब्रिड में समझाऊंगी कि क्या फिजिकल प्रूफ दो या तो या फिर जो इतने वेरिएशन हो रहे हैं उसका रीज़न बताओ तो दिस इज़ द थिंग मेंडल सर ने इस बेसिस पर बोला था कि भाई जनरेशन टू जनरेशन कोई चीज कॉन्स्टेंटली बिना चेंज हुए तभी तो जो यहाँ नहीं दिखी लेकिन यहाँ एक्सप्रेस हो गई कॉन्स्टेंटली बिना चेंज हुए ट्रांसफ़र हो रही है जनरेशन टू जनरेशन जिसे मेंडल सर ने फैक्टर कहा था जिसे आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं ठीक है दिस वर थिंग्स इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माई डियर स्टूडेंट्स अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन में आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लियर है क्या मेरे बच्चों जल्दी से बता दो क्लियर जी जॉनसन्स ने कहा जींस यस और इसे ने फैक्टर्स कहा था अब इसके आगे की कहानी सुनो जिसको स्क्रीनशॉट uh, लेना है फटाफट से ले लो जिससे कि मैं आगे प्रोसीड कर लूँ फिर स्क्रीनशॉट लेना है ले लो बेटा क्लियर <coughs> है ना बच्चों सबको यस चलिए चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये रूपरेखा समझ में आ गई होगी नेक्स्ट अब मैं बात करूंगी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है एक तो आपका ये क्रॉस था डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या कंफ्लूजन निकले मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो कंक्लूजन मेंडल सर ने दिए थे ये था आपका इट इज लॉ ऑ ऑफ पेयड फैक्टर्स या फिर लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर कह दो लॉ ऑफ डोमिनेंस कंक्लूजन थे बुक्स सिर्फ दो ही बताती हैं द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर कई जगहों पर नहीं मिलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो इसलिए कह रही पढ़ो तो आप बोलोगे मैम आपने तीन बताए थे बट बत यहां पर दो ही एक्टली तीन exactly थे कुछ बुक सिर्फ दो लिखती हैं बट एक्जैक्टली exactly तीन थे ठीक है दैट इज लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी इसे हम कहते हैं जी तो मैंडल सर के डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन है मैंडल सर का जो डायहाइब्रिड क्रॉस था मेरे बच्चों पढ़ाऊंगी डिटेल में बस अभी मैं डिफरेंस फॉर्म में बता रही हूँ डायहाइब्रिड क्रॉस का एक ही कंक्लूजन था क्वेश्चन डायरेक्ट आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन क्या है और डायहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन क्या है सर के क्रॉस का जो कंक्लूजन था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल इंडिपेंडेंट असॉटमेंट ठीक है बेटा जी सुनो ठीक तो ये देखो तो मेंडल सर का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है अपना मैंडल सर का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो अभी हमने डिस्कस किया इसके तीन इनके कंक्लूजन थे दैट इज द लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये आपका क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं ठीक है ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन है और डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात मैं बात करूं डाई हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन जो है इट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाऊंगी तब आपके साथ डिस्कस करूंगी ठीक अब सुनो कैसे क्या था इन तीनों को बहुत डिटेल में मैं आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो कंक्लूजन हैं ये बहुत डिटेल में हम अपने आज के सेशन में प्रोसीड करेंगे ठीक है तो सबसे पहला जो था अब बहुत ध्यान ध्यान से सुनते जाना मेरे बेटा सबसे पहला जो कंक्लूजन था इट इज लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर ठीक है क्या है सुनिए वेरी सिंपल वन एक एग्जाम्पल जैसे बच्चा आप लोग इतना पढ़ते आए अपन टॉलनेस को मुझे रिप्रेजेंट करना है मान लीजिए कैपिटल टी इज फॉर द टॉल और स्मॉल टी इज फॉर द डॉफ रेड कलर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं टॉलनेस को कैसे लिखूंगी या तो मैं ये लिखूंगी होमोजाइगस टॉल हो सकता है हीट्रोजाइगस टॉल हो सकता है मैं डॉफ को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी मैं रेड कलर को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी मैं या तो दोनों कैपिटल आर लगाऊंगी यानी कि होमोजाइगस रेड लिखूंगी या फिर एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर हीट्रोजाइगस रेड लिखूंगी या फिर दोनों स्मॉल आर व्हाइट लिखूंगी ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगी क्या मैं रेड कलर को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी कैपिटल आर ओनली क्या मैं व्हाइट कलर को ऐसे रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करूंगी करूंगी स्मॉल ओनली ओनली क्या मैं टॉलनेस को ऐसे करूंगी? Capital t only. ऐसे कैपिटल नहीं होता ना ऐसे नहीं होता ना यानी कि किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए मतलब कोई भी कैरेक्टर जो है वो कैसे आप उसको फैक्टर जो है दो में प्रेजेंट करते ना दोनों कैपिटल कैपिटलिटी या एक कैपिटल एक स्मॉल दिस इज द लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर कि कोई भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए दो फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है या तो होमोसाइगस हीट्रोसाइगस कुछ भी अकेले आप कैपिटल टी से टॉलनेस को नहीं रिप्रेजेंट करोगे आप सिर्फ कैपिटल आर से रेड कलर को नहीं रिप्रेजेंट करोगे दिस इज द लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरी वन इट इज वेरी सिंपल वन दिस इज द लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर मतलब कोई भी कैरेक्टर जो है वो पेयर्स में होगा उसके कैरेक्टर ऐसे नहीं होगा कि बस मतलब दो फैक्टर्स उसे कंट्रोल करते हैं ऐसे नहीं कि कैपिटल टी इज फॉर द टॉलनेस स्मॉल टी इज फॉर द डॉफनेस टॉलनेस कैपिटल टी कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा दिस इज द लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर तो ये मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा ठीक है ये तो बात की हमने बेटा लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर की दूसरा जो मैंडल सर के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन था इट इज द इट इज द लॉ ऑफ डॉमिनेंस पहला तो यही बन जाता है किस पर बेस था तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एफ वन जेनरेशन के ऊपर बेस्ड है ये कंफ्यूजन जो है इट इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एफ वन जनरेशन के ऊपर बेस्ड है मेंडल सर का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है सुनो हीट्रोजाइगस कंडीशन में हीट्रोजाइगस कंडीशन में एफ वन जेनरेशन ही तो थी कैपिटल टी स्मॉल अभी मैंने डिस्कस किया आपको याद होगा तो मेंडल सर का लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि हेटेरोजायगस कंडीशन में भाई हेटेरोजायगस कंडीशन में केवल एक ही फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो हेटेरोजायगस कंडीशन में जो फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है दिस इज द डोमिनेंट फैक्टर और डोमिनेंट फैक्टर की प्रेजेंस में रिसेसिव फैक्टर जो है ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द एफ वन इफ बेस्ड ऑन द एफ वन जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डोमिनेंट फैक्टर की प्रेजेंस में रिसेसिव फैक्टर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट फैक्टर इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट फैक्टर डोमिनेंट फैक्टर की प्रेजेंस में रिसेसिव फैक्टर अनेबल टू एक्सप्रेस इट्सल्फ डोमिनेंट फैक्टर की प्रेजेंस में रिसेसिव फैक्टर जो है मेरे बेटा ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ये कहता है मेंडल सर का लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एफ वन जेनरेशन के ऊपर बेस्ड है डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ठीक है मेंडल सर का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस रहा है इसे हम यूनिवर्सल रूल नहीं कह सकते इसके एक्सेप्शन अवेलेबल हैं तो मेंडल सर के लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं इसके जो दो एक्सेप्शन हैं एक तो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक तो है मेरे बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा एक्सेप्शन जो है इट इज द को डोमिनंस ठीक है मेंडल सर के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो कंक्लूजन था दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस इसके दो एक्सेप्शन है दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड द को डोमिनंस इनको बहुत डिटेल में मैं आज के सेशन में ही डिस्कस करूंगी थोड़ी देर बाद क्लियर हुआ बेटा यहां तक तो मेंडल सर का लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन दैट इज द इनकम्प्लीट एंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड द को डोमिनस क्या है डिटेल में थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगी तो ये आपको दूसरा कंक्लूजन भी समझ में आ गया होगा मेंडल सर के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस तीसरा कंक्लूजन जो था बेटा तीसरा जो कंक्लूजन था मेंडल सर के लॉ ऑफ मोनोहाइ मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो कंक्लूजन निकला था इट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स भी कहा जाता है ठीक है बच्चा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स भी से हम कहते हैं क्या कहता है ये रूल? सुनो बहुत ध्यान से सुनो ये कैपिटल टी स्मॉल टी ठीक है मैं करवा रही हूं गैमिटोजेनेसिस तो क्या होगा क्या क्या गैमेट बनेंगे एक तो कैपिटल टी एक स्मॉल टी यही आपके गैमेट्स होंगे तो क्या मैं ये कह सकती हूं गैमेटोजेनेसिस के द्वारा दोनों का हो गया और गैमेट्स के अंदर क्योंकि एक ही फैक्टर प्रेजेंट होता है तो गैमेट्स दे आर ऑलवेज प्योर फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड क्योंकि दो तो होंगे नहीं तो हमेशा प्योर ही होगा ये दिस इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स प्योरिटी ऑफ गैमिट्स क्यों बेटा? क्योंकि जब कहागेशन हो रहा है जब सैग्रीगेशन हो रहा है तो आप देखो गैमिट फॉर्मेशन जब हो रहा है तो गैमिट के पास एक ही तो फैक्टर एक बार आ रहा है तो यही कहता है कि जो गैमेट्स होते हैं दे आर ऑलवेज प्योर फॉर अ पर्टिक्युलर ट्रेड दिस इज द लॉ ऑफ सैग्रीगेशन मेरे हिसाब से ये भी क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चे आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है और इसी को हम कहते हैं लॉफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहा ये भी समझना क्योंकि गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट दिस इज द थिंग अब मंडल सर ने ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया वैसे तो ये कहता है मोस्ट मतलब नियरली ये जो इसको यूनिवर्सल लॉ हम कह सकते हैं इट इज अवर्सल लॉ लेकिन बट नॉन डिसजंक्शन इस लॉ का एक्सेप्शन हो सकता है बट नॉन डिसजंक्शन मे बी द एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ बट नॉन डिसजंक्शन मे बी द एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ ये मेरे बेटा इंपॉर्टेंट है क्लियर हुआ यहां तक सभी को आप सभी को तो ये अपन ने मेंडल सर का मोनोहाइब्रिड क्रॉस खत्म हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन दैट इज द लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जैसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स कहते हैं तीनों लॉ हमने समझ लिए लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन पढ़ाए मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डॉमिनंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है इसके भी इसको वैसे तो यूनिवर्सल लॉ माना जाता है बट नॉन डिसजंक्शन मे बी द एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ मेरे हिसाब से यहाँ तक की राम कहानी पटकानी सबको क्लियर हो गई होगी ठीक है अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मेंडल सर के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस के जो एक्सेप्शन थे दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनंस ये क्या है इसे अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लियर है क्या मेरे बच्चों यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है क्या नॉन डिसजंक्शन मीन्स मैं पढ़ाऊंगी आपको नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है जब गैमेट फॉर्मेशन होते हैं ना तो ये आपके अलग अलग साग्रिगेशन नहीं होता है गैमेट्स का ऐसे ही रहेगा नॉन डिस्जंक्शन मतलब सेपरेशन नहीं हो रहा है सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है डिटेल में पढ़ाऊंगी ये मैं आगे भी चिंता मत करो आप यहाँ तक क्लियर हुआ जैसे कि आपका जो डाउन सिंड्रोम है ना क्रोमोसोमल अनएप्लॉयडी जो हम पढ़ते हैं इट में इट इज़ ड्यू टू द नॉन डिजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर ट्वेंटी वन डाउन सिंड्रोम ट्वेंटी फर्स्ट ट्राइसोमी जो आप पढ़ते हो नॉन डिस्जंक्शन की वजह से ही तो होता है वो भी ठीक है तो ये डिटेल में पढ़ेंगे हम चिंता मत करो म्यूटेशन वगैरह पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इट इज़ अबाउट दिस तो नेक्स्ट जो है आई एम गोइंग टू डिस्कस यू अबाउट द एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को पर हम जाएंगे जिसको स्क्रीन शॉट लेना है ले लो भाई मैं साइड हट जाती हूँ स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए हाँ जी हो गया तो सुनो अब क्या है इसके बाद की राम कहानी मैंडल सर का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था इसका सबसे पहला एक्सेप्शन था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये आपके साथ डिस्कस कर रही हूं क्या होता है सबसे पहले जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है क्या है बाद में डिस्कस करूंगी इसमें रटने वाली चीज याद कर लेना पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी बट उसको पहले इसके तीन एग्जाम्पल है जिसमें ये दिखता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो आप डायरेक्टली लिख लो ये आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए इनकम्प्लीट में नहीं लिखेगा एक्सेप्शन है ना तो किस किस में देखने को मिलता है आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो ये देखिए इसके एग्जाम्पल जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के तीन एग्जाम्पल पढ़ते हैं बच्चा एक तो है फ्लार कलर फ्लावर कलर इन एंटीराइनम मेजस दूसरा एग्जाम्पल जो है इसका अच्छा ये जो एंटीराइनम मेजस मैंने बोला इसके कुछ और नाम भी हैं एंटीराइनम मेजस और गुलेबास भी से कहते हैं फ्लावर कलर इन एंटीराइनम मेजस या फिर बोलो गुलेबास या फिर इसे हम फोर ओ क्लॉक प्लांट के नाम से भी जानते हैं फोर ओ क्लॉक प्लांट ठीक है तो ये इसका पहला एग्जांपल था दैट इज द फ्लावर कलर इन एंटीराइना मेजर या फिर गुलेबाज या फिर फोर ओ क्लॉक प्लांट इसे हम कहते हैं इसके अंदर दूसरा एग्जांपल जो है इसका इट इज द फ्लावर कलर इन स्नैप ड्रैगन इसको किस नाम से जाना जाता है लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स स्नैपड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर भी कहते हैं इसे फ्लावर कलर स्नैप ड्रैगन और द डॉग फ्लावर दिस इज अनदर एग्जांपल और तीसरा एग्जाम्पल जो है इट इज दर कलर इन एंडोल्सियन फाउ ये सारे के सारे बेटा इन कंप्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल्स हैं लिख लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी तो ये सारे आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल्स मैंने आपको रटवाए कि फ्लावर कलर इन एंटीराइनम मेजर्स जैसे गुले बांस या आपका फोर ओ क्लॉक प्लांट भी कहते हैं या फिर है फ्लार कलर इन स्नैप ड्रैगन इसे डॉग फ्लार भी कहा जाता है और अनादर एग्जाम्पल इज द फैदर कलर इन एंडोलसियन फाउल दिस इज द दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस विच इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डॉमिनंस ये तीनों एग्जाम्पल शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स ठीक है अब सुनो एग्जाम्पल्स की बात हम लोगों ने कर ली अब एग्जैक्टली exactly मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी स्क्रीन आप लोगों ने ले लिया होगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्चुअली होता क्या है तो क्या होता है स्टूडेंट सुनो बहुत ध्यान से जैसे कि मान लीजिए रेड कलर इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रही हूं इट इज डोमिनेंट रेड कलर दिस वन इट इज डोमिनेंट ओवर द वाइट कलर फॉर्म स्मॉल आर ठीक है तो आप मेरी बात सुनो आप एक रेड कलर फ्लावर को आप एक वाइट कलर फ्लावर के साथ क्रॉस कराते हो, तो होनरेशन कैपिटल आर स्मॉल आर आएगी सही है ना यही ना होगा आपने रेड कलर को प्योर रेड को कैपिटल आर रेड कलर है दोनों स्मॉल और वाइट कलर के साथ क्रॉस कराया तो एफ जनरेशन कैपिटल आर स्मॉल आर आएगी मैंडल सर्कल ऑफ डोमिनेंस तो यहां ये कहता है कि डोमिनेंट फैक्टर की प्रेजेंस में यानी कि रेड कलर की प्रेजेंस में रिसेसिव फैक्टर यानी कि स्मॉल आर वाइट कलर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो कैसा दिखना चाहिए ये ये रेड कलर का दिखना चाहिए लेकिन अगर ये बात चल रही है फ्लावर कलर इन ड्रैगन की या फिर गुलेबाज की तो ना ये रेड दिखेगा ना ये व्हाइट दिखेगा देख लो ध्यान से ये दिखेगा पिंक कलर का यानी कि दिस इज द लॉ ऑफ इनकम्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है कि आपके हीट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर ठीक है एनवायरमेंट विजन मैं भी बताती दू हीट्रोजाइग कंडीशन के अंदर आपका डोमिनेंट फैक्टर और रिसेसिव फैक्टर ऐसा नहीं होगा कि डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव नहीं दिखेगा दोनों कैरेक्टर्स की मिक्सिंग या ब्लेंडिंग हो जाती है दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं दोनों कैरेक्टर्स की मिक्सिंग या फिर मैं कह दूं ब्लेंडिंग हो चुकी है तो रेड और वाइट कलर में मिक्सिंग करा दो तो क्या होगा रेड और वाइट कलर की मिक्सिंग से बनता है पिंक कलर तो पिंक कलर आपको यहाँ देखने को मिलेगा ना रेड दिखेगा ना वाइट दिखेगा दिस इज द इनकंप्लीट डोमेंस जो मेरे हिसाब से मेरे सभी बच्चों को क्लियर हो गया हो यह आपका इनकम्प्लीट डॉमिनेंस व्हाइट और रेड को क्रॉस कराया तो पिंक कलर दिखा यानी कि मिक्सिंग और ब्लैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स जो है यह आपको देखने को मिलेगी मिक्सिंग और ब्लैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स जो है ये आपको एफ वन जेनरेशन में दिखाई देगा यह है मेंडल सर का इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्लियर है बेटा तो यह है और इसके एग्जाम्पल फ्लावर कलर इन एंडोल्सियन सॉरी फ्लार कलर इन, इन स्नैपड्रैगन और एंटी रैंडम मेजस आपका गुलेबाज फोर ओ क्लॉक प्लांट वो सारे एग्जाम्पल्स आपको रटे हुए नीचे फैदर कलर इन द एंडॉल्सियन फाउल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस ठीक है दूसरा जो एक्सेप्शन था मेंडल सर के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर ये था आपका को ये क्या कहता है सुनो नेक्स्ट जो एक्सेप्शन था इट इज द को सुनिए क्या कहता है को तो मेरे बच्चों को ये कहता है पहले तो क्या कहता है हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी तीन एग्जाम्पल पढ़े थे इसमें भी तीन एग्जाम्पल पढ़ेंगे विच शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल रट लो को डोमिनंस से क्वेश्चन आ ही जाता है और एग्जाम्पल से डायरेक्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ ही जाता है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्पल नंबर वन ए बी ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस ऑफ एबी ब्लड ग्रुप इट इज द एग्जाम्पल ऑफ को डॉमीन एग्जाम्पल नंबर दो जो है इसके अंदर एबी ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस जो को डोमिनेस का एग्जाम्पल है और कैरियर ऑफ सिक्कल सेल एनीमिया कैरियर ऑफ Sickle cell anemia that is HBA and HBS. This carrier of sickle cell anemia, it is another example of codominance and coat color in animals. दीज थ्री आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोडोमिनस ठीक है क्या क्या बचाया बच्चा मैंने को डोमिनंस के एग्जाम्पल कौन कौन से है आपका कैरियर ऑफ सिक्कल सेल एनीमिया ए बी ब्लड ग्रुप एंड कोट कलर इन एनिमल्स दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ को डोमिनंस विच शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स ठीक है तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं क्या होता है इसके अंदर तो सुनिए आप बहुत ध्यान से ए बी ब्लड ग्रुप कैरियर ऑफ सिक्कल्स सेल एनिमे एंड कोट कलर इन एनिमल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ को डोमिनंस एंटरटेनमेंट विजन प्लस और यूट्यूब में क्या अंतर है ये मैं आपको सेशन एंड में समझा दूंगी जमीन और आसमान का अंतर है यूट्यूब और प्लस के अंदर ठीक है सुनो मेरी बात तो ये आपका को डोमिनस का एग्जाम्पल है अब क्या होता है सुनिए बहुत ध्यान से जैसे कि ए बी ब्लड ग्रुप की बात करूं ये ए बी डोमिनेंट है ये बी भी डोमिनेंट है आई ए आई बी को डोमिनस में क्या होता है दोनों ही कैरेक्टर अपने आप को सेपरेटली एक्सप्रेस करते हैं किसी भी तरीके की ब्लेंडिंग या मिक्सिंग यहां पर देखने को नहीं मिलती दिस इज द को डोमिनस बोध कैरेक्टर्स को डोमिनस क्या होता है को डोमिनस के अंदर बोथ कैरेक्टर्स एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली दोनों अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं देयर इज नो ब्लेंडिंग देयर इज नो ब्लेंडिंग और मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स दिस इज द कोडोमिनंस दोनों अपने आप को सेपरेटली एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी भी तरीके की ब्लैंडिंग या मिक्सिंग यहां पर नहीं होती जैसे ए बी ब्लड ग्रुप आई ए आई बी ए बी शो कर रहा है अपने आप को बीबी शो कर रहा है दिस इज द कोडोमिन कैरियर ऑफ सिक्कल सेल एनिमिया दिस इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन दिस इज दिक्कल सेल ये भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है ये भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं कोई ब्लेंडिंग, कोई मिक्सिंग नहीं हो रही और ना ऐसा हो रहा है कि एक आधा ब्लैक और वाइट है ठीक है तो ऐसा नहीं होगा कि ब्लैक और वाइट की मिक्सिंग होके ब्लू कलर का दिखेगा या आधा ब्लैक होता है आधा व्हाइट होता है दिस इज द अपने आप को सेपरेटली एक्सप्रेस करते हैं किसी भी कैरेक्टर की ब्लेंडिंग या मिक्सिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी यही कहता है आपका को डोमिनेंस इज इट क्लियर टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स विच इज प्रेजेंट ओवर या क्लियर है बच्चा ठीक तो ये तो हम लोगों ने मैंडल सर का मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पूरी तरीके से स्टडी कर लिया है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है मोनोहाइब्रिड सर के कंक्लूजन की बात की कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के तीन कंक्लूजन थे सर मैंने बोल दिया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था का उनके तीन कंक्लूजन थे वो था आपका लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फिर हमने इनकी एक्सेप्शन की भी बात कर ली कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो एफ वन जनरेशन के ऊपर बेस्ड था इसके दो एक्सेप्शन है दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल फ्लार कलर इन एंटीराना मेजर जैसे गुले बांस या फोर ओ क्लॉक प्लांट भी कहा जाता है दूसरा एग्जाम्पल फ्लॉर कलर इन स्नेपड ड्रैगन जिसे डॉग फ्लॉर भी कहा जाता है और तीसरा एग्जाम्पल था फैदर कलर एंड इन फाउल इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है आपके कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग या मिक्सिंग आपको देखने को मिलती है रेड और व्हाइट मिलके पिंक कलर शो करेगा दिस इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो दूसरा एक्सेप्शन था इसका इट इज द को डोमिनंस को डोमिन के एग्जाम्पल कैरियर ऑफ सिक्कल सेल एनीमिया एच बी एच बी एस इनहेरिटेंस ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप आपका कोट कलर इन एनिमल्स दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ को डोमिनंस इसमें क्या होता है ऐसा नहीं होता कि एक एक्सप्रेस करेगा एक नहीं करेगा ना ऐसा होता है कि कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग या मिक्सिंग आपको देखने को मिलेगी दोनों कैरेक्टर्स अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं देखो ए और बी दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन और सिक्कल सेल दोनों एक्सप्रेस कर रही है तो दोनों कैरेक्टर्स अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं किसी भी कैरेक्टर का ब्लेंडिंग या मिक्सिंग यहाँ दिखाई नहीं देता है दिस इज द को डोमिनेंस जो मेरे हिसाब से मैं देख रही हूं यहां पर सबको क्लियर हो गया बेटा क्लियर हो गया चलो ये क्लियर है यहां तक नेक्स्ट एक छोटा सा मैं आपको आउट क्रॉस क्या है टेस्ट क्रॉस क्या है बैक क्रॉस क्या है ये एक पॉइंट और हम डिस्कस कर लेंगे ठीक है सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं बेटा बैक क्रॉस और बैक क्रॉस जो है बेटा इसके दो वो है एक आउट क्रॉस होता है दो टाइप्स और एक टेस्ट क्रॉस होता है एक्चुअली होता क्या है सुनो ये पेरेंट्स बनाए मैंने एफ वन जेनरेशन आएगी कैपिटल टी टी दिस इज एफ वन जेनरेशन दीज आर पेरेंट्स तो अगर मैं इस एफ वन जेनरेशन को इसके पेरेंट के साथ क्रॉस करा दूं किसी भी एक पेरेंट के साथ इसके साथ भी करा सकती इसके साथ भी करा सकती हूं तो इसे हम कहते हैं बैक क्रॉस क्या होता है बैक क्रॉस एफ वन जनरेशन का इट इज क्रॉस्ड ईदर ऑफ देयर पेरेंट इसके एफ वन जनरेशन का उसके किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस होना एफ वन जनरेशन का किसी भी ईदर पेरेंट उसके किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कराना मैं चाहू तो इससे करा दू विच यू कैन सी इन द फर्स्ट केस और मैं चाहूं तो इनसे करा दू विच यू कैन सी इन द सेकेंड केस दिस इज द बैक क्रॉस बैक क्रॉस क्या है समझ में आ गया सीधी सी चीज है एफ वन जनरेशन का उसके किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कराना देना इट इज द बैक क्रॉस और जो बैक क्रॉस है इसके दो टाइप है एक है आपका आउट क्रॉस और एक होता है आपका टेस्ट क्रॉस अगर आप एफ वन जनरेशन को क्या मैं कह रही हूँ अगर आप F1 वन जनरेशन को ये कैपिटल टी स्मॉल एफ वन जनरेशन है उसके डोमिनेंट पैरेंट के साथ क्रॉस कराओगे F1 वन जनरेशन का उसके डोमिनेंट पैरेंट के साथ क्रॉस कराओगे तो इसे हम कहते हैं आउट क्रॉस समझ में आया मेरे बेटा F1 वन जनरेशन का उसके डोमिनेंट पैरेंट के साथ क्रॉस कराना इज द आउट क्रॉस और अगर आप इस एफ वन जनरेशन को दिस इज F1 जनरेशन ना इसका ये पेरेंट कौन सा वाला पेरेंट लिया है हमने इसका रिसेसिव पेरेंट लिया है अगर आप एफ वन जेनरेशन को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दें, तो इसे हम कह देंगे टेस्ट क्रॉस क्लियर हो गया कि मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेस्ट क्रॉस से मान के चलो क्वेश्चन आता है ठीक है तो बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगी तो एफ वन जनरेशन का उसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस इट इज द आउट क्रॉस और एफ वन जनरेशन का उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस इसका है ये आपका टेस्ट क्रॉस है क्लियर बच्चा तो दिस इज द बैक क्रॉस बैक क्रॉस में स्क्रीनशॉट लेना है ले लो फटाफट से स्क्रीन थोड़ा कंफ्यूजन है बता रही हूँ एफ वन जनरेशन का उसके किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कराना बैक यानी कि रिवर्स चल रहा है ना आप बैक में ले रहे हो एफ वन जनरेशन एफ टू जनरेशन नहीं बन रहा एफ वन जनरेशन का आप उसके पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हो तो एफ वन जनरेशन का उसके पेरेंट के साथ क्रॉस कराना इट इज बैक क्रॉस अब बैक क्रॉस के दो टाइप है एक है आउट क्रॉस जैसा कि आप वहां देख सकते हैं सामने और एक है टेस्ट क्रॉस अगर आप अपने एफ वन जेनरेशन को उसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हो तो यह है आपका आउट क्रॉस और अगर आप एफ वन जनरेशन को उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दें, तो ये है टेस्ट क्रॉस आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरी वन राइट नाउ ओवर इज इट क्लियर टू एवरी वन प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स रेज योर थॉम्ब इफ इट इज क्लियर टू एवरी वन और भाई जितने भी लोग हैं सारे के सारे इस वीडियो को जरा लाइक तो कर दो लाइक तो कर दो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ऑल माई डियर स्टूडेंट्स क्लियर 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 यस यस चलिए चलिए आगे मूव ऑन करते हैं अब इसके बाद ठीक है तो ये हमें क्लियर हो गया कि डोमिनेंट पेरेंट के साथ आउट क्रॉस क्या है टेस्ट क्रॉस क्या है बैक क्रॉस क्या है टेस्ट क्रॉस का एनसीआर में बहुत सुंदर सा डायग्राम दे रखा है एक मैं आपको समझा देती हूँ टेस्ट क्रॉस क्या है ये तो आपको क्लियर हो गया टेस्ट क्रॉस का एक सिग्निफिकेंस ये है कि जो होमोजाइगस इंडिविजुअल है जैसे टॉल की मैं बात करूँ या फिर रेड कलर की मैं बात करूँ बेटा तो ये भी रेड कलर का ही दिखाई देगा तो ये भी रेड कलर का ही दिखाई देगा तो वो ये कह रहा है टेस्ट क्रॉस का एक सिग्निफिकेंस ये है कि जो डोमिनेंट इंडिविजुअल जो है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या ये हीट्रोजाइगस डोमिनेंट है ये पता कर सकते हैं हम टेस्ट क्रॉस के जरिए ठीक है क्या पता कर सकते हैं <coughs> टेस्ट क्रॉस से आप क्या पता लगा सकते हो इट इज यूज टू आइडेंटिफाई दैट द डोमिनेंट इंडिविजुअल जो है दर इट इज होमोजाइगस वेदर इट इज होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस यह आपको टेस्ट क्रॉस से पता लग जाता है यह होमोजाइगस है या हीट्रोजाइगस डॉमिट वेदर इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट और हीट्रोजाइगस डोमिनेंट यह आपको टेस्ट क्रॉस से पता लगता है कैसे तो सुनो सुनो अब मेरी बात बहुत ध्यान से और घर जाके इसकी फिर एन देखना है NCRT में वो डायग्राम से फिर क्लियर हो जाएगा ये बात तो तय है टेस्ट क्रॉस में कि एफ वन इंडिविजुअल का क्रॉस होता है रिसेसिव पैरेंट के साथ होता है तो रिसेसिव पैरेंट तो जैसे मैं रेड कलर कैपिटल आर को मान लीजिए रेड कलर ले रही हूँ स्मॉल आर को मैं वाइट कलर ले रही हूँ इसमें वायलेट दे रखा है बट चलो वायलेट ले लो वाइट ले लेते हैं हम ठीक है वाइट ले लो कुछ भी ले लो आप तो मान लीजिए मतलब एक चीज तो मेरे पास फिक्स है कि रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस होगा टेस्ट क्रॉस तभी होगा जो डोमिनेंट इंडिविजुअल है ये होमोजाइगस भी हो सकता है तो हीट्रोजाइगस भी हो सकता है अब ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या हीट्रोजाइगस डोमिनेंट है कैसे पता लगेगा सुनो तो पेरेंट तो रिसेसिव ही होगा इसको मैं एक बार क्रॉस कराती हूँ आपके डोमिनेंट इंडिविजुअल के साथ होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ तो दोनों कैपिटल आर है इसका दोनों स्मॉल आर के साथ क्रॉस होगा तो क्या बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं ऑल फ्लावर्स एन सी आर टी वाला एग्जाम्पल देती हूँ आप लकीर के फकीर ही बना देती हूँ एनसीआरटी वाला एग्जांपल देती हूँ ठीक है कैपिटल डब्ल्यू रुको कैपिटल डब्ल्यू इज फॉर द वायलेट कलर स्मॉल डब्ल्यू इज फॉर द व्हाइट कलर एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा है तो रिसर्स पैरेंट के साथ ही होगा ना तो मैं दोनों स्मॉल डब्ल्यू ले लेती हूँ यानी कि ये व्हाइट कलर है अब इसको मैं एक बार होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ क्रॉस करा रही हूं यानी कि दोनों कैपिटल डब्ल्यू के साथ कराओ क्रॉस दोनों कैपिटल कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल कैपिटल स्मॉल यही होगा ना मैंने होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ क्रॉस कराया दोनों मैंने दोनों कंडीशन ले ली व्हाइट कलर दोनों स्मॉल डब्ल्यू ही है अब ये होमोजाइगस है कि कीट्रोजाइगस है तो मैंने पहले होमोजाइगस वाला वेरिएंट ले लिया क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने पर जो रिजल्ट आया

कैपिटल W स्मॉल W इसका इसका रिसेसिव पैरेंट दोनों स्मॉल W क्रॉस कराओ कैपिटल W स्मॉल W कैपिटल W स्मॉल W दोनों स्मॉल W और दोनों स्मॉल W ये तो यहाँ पर क्या दिखा आपको यहाँ पर ये कंक्लूजन आ रहा है कि 50 परसेंट फ्लार्स तो वायलेट हैं और ये 50 परसेंट वाइट दिखेंगे 50 परसेंट फ्लार्स व्हाइट है तो मैं ये कह सकती हूं कि अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है फिफ्टी परसेंट फ्लावर वायलट फिफ्टी परसेंट फ्लावर व्हाइट तो आप ये मान लेना कि जो इंडिविजुअल है अगर आपको ये देखने को मिल रहा है कि फिफ्टी परसेंट फ्लावर्स वाइट हैं और फिफ्टी परसेंट फ्लावर्स ही वायलेट दिख रहे हैं तो यानी कि ये जो है आपका हीट्रोजाइगस डोमिनेंट पैरेंट है हीट्रोजाइगस डोमिनेंट पैरेंट है और अगर आपको यह देखने को मिल रहा है कि सारे के सारे फ्लावर्स ही आपके वायलट कलर के हैं तो कंक्लूजन जो पैरेंट यहां पर डोमिनेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये आपको याद रखना चाहिए ठीक है और एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन बेटा एनसीईआरटी में एज इट इज ये मैं ठीक है मेरा बच्चा यहां तक क्लियर हो गया कि सारे के सारे हाँ बिल्कुल आज रात को क्लास होगी ये रोज तो मौसम बेईमान हो जाता है तो हमारा सेशन हम नहीं कर पाते हैं बट आज ऐसा नहीं होगा हम लोग करेंगे ठीक है क्लियर है मेरे बच्चों यहां तक तो ये है आपका टेस्ट क्रॉस का कंक्लूजन इज इट क्लियर टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स नहीं बच्चा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नहीं है ये नो ठीक है ये आपका टेस्ट क्रॉस है तो भाई इसमें कि जो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हीट्रोसाइकस डोमिनेंट है इसका पता हम टेस्ट क्रॉस से लगाते हैं कैसे ये कंक्लूजन मैंने बता दिया एनसीआर के अंदर देख लेना डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है तब आप एन पढ़ोगे ये अदरवाइज डायरेक्टली पढ़ते तो समझ नहीं आता दिमाग में घुसता नहीं है अभी एकदम से क्लियर हो जाएगा मैंने बताया था ना हाउ टू तो रीड एन सी इफेक्टिवली अब खटाक से समझ में आ जाएगा वहाँ पर एनसीआर एक न्यूज़पेपर रीडिंग में ही क्लियर हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया आपका नेक्स्ट जो है एक छोटा सा क्रॉस और मैं रेसी प्रोकल क्रॉस जो है ये आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ठीक है रेसी प्रोकल क्रॉस टेस्ट क्रॉस हो गया टेस्ट क्रॉस का एक तो ये कंक्लूजन था और एक बच्चा टेस्ट क्रॉस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम आता है अभी देखना नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मेरे बच्चों इट इज द रेसी प्रोकल क्रॉस बहुत सिंपल है क्वेश्चन आता है और बच्चे कहां गड़बड़ करते हैं मैं ये भी बताऊंगी तो सुनो ऐसी क्या है बेहद आसान एक्सपेरिमेंट नंबर वन एक्सपेरिमेंट नंबर टू मैंने क्या किया बच्चा एक्सपेरिमेंट नंबर वन के अंदर तो मैंने क्या किया जो ए है इसको ले लिया मेल और बी है इसको ले लिया फीमेल और मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर टू में क्या किया A को एक्सपेरिमेंट नंबर में वन में मेल लिया था मैंने अभी एक्सपेरिमेंट नंबर टू में ए को ले लिया है ए को ले लिया है फीमेल और बी को ले लिया है मैंने मेल तो दिस इज द प्रोकल क्रॉस समझ में आया कि ए जो है वो है मेल है बी फीमेल है एक्सपेरिमेंट नंबर टू में ए को मेल की जगह मैंने फीमेल कर दिया बी को फीमेल की जगह मेल कर दिया तो चेंज कर दिया मैंने मेल और फीमेल वन और टू में दिस इज द रेसी क्रॉस ये तो सबको आ जाता है सभी सही करते हैं इसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं करते साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में डिटेल में भी पढ़ाऊंगी बट यहां पर मैं बता देती हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो आपको याद रखना है कोई गड़बड़ ना करे उसके अंदर रेसी क्रॉस के अंदर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है थोड़ा सा हिंट मैं दूंगी अभी यहां पर बाकी डिटेल में मैं बाद में पढ़ाऊंगी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर मेरे बच्चों साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर रिजल्ट चेंज हो जाता है रिजल्ट में चेंज इन रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर बच्चे रेसीप्रोकल क्रॉस के अंदर रिजल्ट में चेंज में नहीं चेंज ही होता है रिजल्ट चेंज इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस रिजल्ट जो है रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर रिजल्ट चेंज होता है कैरियोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो न्यूक्लियस से जो होता है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता किसी को मेल रखो किसी को फीमेल रखो कोई चेंज नहीं देखने को मिलता लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में जी बिल्कुल रेसिप्रोकल क्रॉस में माई डियर स्टूडेंट्स आपके रिजल्ट बदल जाते हैं ऐसा क्यों होता है मैं आपको हिंट दे देती तो हूँ यहीं आपको थोड़ा सा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बाद में बताऊं बच्चा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम मेटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस से मतलब समझ रहे हो आप थोड़ा सा डिटेल तो बाद में पढ़ाऊंगी जस्ट हिंट दे रही हूँ जो आप समझ पाए मैटरनल इनहेरिटेंस मतलब ये बेटा कि जो फीमेल है ना वही इसके अंदर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेंगी तो मैं कह रही हूं कि फीमेल ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करती है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में तो ऑब्वियस ही बात है मान लीजिए कोई जीन इस पर प्रेजेंट है बी फीमेल पर ठीक है तो यही तो ट्रांसफर कर रही थी अब हमने फीमेल तो बदल दिया ए कर दिया तो ही बात है वो कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होगा इसीलिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्योंकि फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस सो इन रेसिप्रोकल क्रॉस रिजल्ट बदल जाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के, के केस में अदरवाइज इट विल रिमेन सेम

मैं अभी आपका लिंक शेयर कर दूंगी आज अपने अनएकेडमी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री है अनएकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों की स्पेशल क्लास है जिसके अंदर मैं कंप्लीट नीट का मॉक टेस्ट आपसे लेने वाली हूँ नीट बेस्ड पैटर्न के ऊपर तो इसीलिए मेक इट श्योर जो भी वहां पर टॉप करेगा उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा मेक इट श्योर कि आप वो टेस्ट जरूर आएंगे बोर्ड्स होता है रैंक वहाँ पर दिखाई देती है इसलिए मैंने उस प्लेटफॉर्म पर लिया है तो मेक इट श्योर कि आप सब लोग वहाँ मुझे मिल रहे हैं क्लियर है बेटा यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर 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 चलो तो ये अपना राशि प्रॉपर क्रॉस भी हो गया अब खटाखट से खटाखट से मैं अब इस पर जो लिखा हुआ है ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया है मैं फटाफट से यहाँ पर जो भी दे रखा है ना फटाफट से एनसीआर रीडिंग एनसीआर कि वास्तव में न्यूज पेपर रीडिंग ही लगानी पड़े बस ऐसे लाइन हाँ 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 ये सब मैम ने बताया था ये सब है पंद्रह बीस मिनट के अंदर पूरी एनसीआर यहाँ तक की आप कवर कर लोगे तो इसलिए आप सुनते जाओ फटाफट से बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें क्यों सारा एक्सप्लेन मैं आपको कर चुकी हूं तो सुनिए वैन वी कंसिडर इनहेरिटेंस मोनो का मतलब ही है एक मोनो का मतलब ही क्या है एक तो एक कैरेक्टर को एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर को स्टडी करें जैसे तो हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड तो सबसे सर ने टॉल और प्लांट को स्टडी किया था ये देखो। ये ये देखो टॉल टॉल लिया प्योर प्योर एफ वन जनरेशन टॉल ही आई थी लेकिन इम्प्योर थी ना कैपिटल टी स्मॉल टी ये आई थी तो इस जनरेशन पर इन्होंने क्या कंक्लूजन ये तो पूरा क्रॉस तो मैं आपको बता चुकी तो ये देखो हा 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 पी वन जीन। जो फिर उन्होंने एफ वन के अंदर सेल्फिंग। अरे यार ये जरूरत नहीं है ये जरूरत नहीं है बस ये देख लो मैंने आपको ये तो बता दिया था कि एफ वन जनरेशन अपने किसी एक पेरेंट की तरह दिखती है एफ टू जनरेशन जो चीज एफ वन में नहीं एक्सप्रेस हुई वो एफ टू के अंदर एक्सप्रेस हो गई अपने लेकिन किसी दोनों पैरेंट की तरह ही दिख रही है किसी कैरेक्टर की मिक्सिंग या फिर किसी कैरेक्टर की ब्लेंडिंग वहां नहीं हो रही जनरेशन अपने दोनों पेरेंट की तरह ही दिख रही है और जो चीज एफ वन जनरेशन में नहीं एक्सप्रेस हुई थी वो एफ टू जनरेशन में एक्सप्रेस हो गई तो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मैंडल ने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है समथिंग वॉज बीग स्टेबली पास डाउन ज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफिंग थ्रू द गैमिट्स ओवर द सक्सेस जेनरेशन उन्होंने बोला कि कोई एक ऐसी स्टेबल चीज है जो बिना बदलाव के जेनरेशन टू जेनरेशन पास हो रही है उन्होंने इस चीज को कहा था फैक्टर्स जिसे आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं ठीक है दिस आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दे कंटेन द इन्फॉर्मेशन जो कि किसी पर्टिकुलर तो जीन विच कोड फॉर द बस ये बस ये 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 राम कहानी आप पढ़ लेना मैं सारा पढ़ा चुकी तो ये इनका ये था ठीक है तो ये मैं पूरा दिखा चुकी चेकर बोर्ड मैथड में ये आप हाँ ये एक चीज आप सुन लो और एक फॉर्मूला और बताऊंगी बस दैट सेट आफ्टर दैट ठीक है अब सुनो अब सुनो बेटा यस yes, चेकर बोर्ड मैथड में ये क्वेश्चन आ चुका है साइंटिस्ट के नाम पर किसने किया था रिग्नेल्ड सी पुनिट इन्होंने इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया था वही अपन जो ये स्क्वायर्स के फॉर्म में ऐसे जो हम करते हैं हम चेकर बोर्ड से ही तो सारे क्रॉस कराते हैं तो ये आपको आता है इसमें कुछ मगजमारी की जरूरत नहीं है बस हॉरिजोंडल पे अपन क्या लेते हैं मेल गैमेट को हॉरिजोंडली लेते हैं फीमेल गैमेट को वर्टिकली हम लिखते हैं ये ध्यान रख लेना ये भी रखने की जरूरत नहीं कोई नहीं पूछता क्वेश्चन आता है तो चेकर बोर्ड मैथड में रिग्नल सी पुनिट ने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था इन साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना ये आपको आता है अब मैं एक फॉमूला आपके साथ कंक्लूजन्स वगैरह में सब पढ़ा चुकी एक न्यूज़पेपर रीडिंग ही लगानी है आपको मैं एक फॉमूला आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और फॉक लाइन मैथड ऑफ गैमेट फॉर्मेशन पढ़ा रही हूँ बस इसके बाद मैं आगे से प्रोसीड करूँगी ठीक है एक सेकेंड रुक जाओ यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चों क्लियर 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 अभी कर लें या नेक्स्ट करना चाहोगे अभी कर लें या नेक्स्ट करना चाहेंगे जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी, बताओ, जल्दी। नहीं रह सकूंगा तुम्हारे बिना में कभी तुम सहारा बनो एक सेकेंड मेरे बच्चा लिंक हो गया है मैं देख लूँ मैं प्रॉपरली दिख भी रही हूँ आप लोगों को या नहीं मैं भर कर के लाया हूँ आँखों में अपनी हाँ जी गला तो खराब हो रहा है क्लियर है बेटा यहाँ तक चलो अब एक में फॉक लाइन मैथड बच्चा इम्पॉर्टेंट है आपको आना चाहिए नहीं तो गड़बड़ घोटाले करते हो तुम एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिखा रही हूँ कई बार डायरेक्ट नंबर पूछ लेता है तो आपको क्रॉस कराने की जरूरत ना पड़े फॉकलाइन मैथड से गैमेट फॉर्मेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़े टाइम सेविंग एक तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला डिस्कस कर रही हूँ और कैसे होता है ये भी डिस्कस कर रही हूँ तो लिख लेना मेरे साथ साथ भर कर के लाया, में अपनी अधूरी से कुछ ख्वाहिशें यस yes. आप लोग भी भरकर ही आए होंगे ना कुछ अधूरी सी ख्वाहिशें नीट तक पहुंचने की यस yes. तो नंबर ऑफ गैमेट्स या फिर हम बात करें फिनोटाइप कैसे निकालते हैं इसका एक फॉर्मूला है फिनोटाइप कर हर मैदान फतेह हर हर मैदान फतेह अब बोलिया आप सोच रहे हो मैम से फटी हुई आवाज में भी आपको शर्म नहीं आती है गाने गाने में भाई बूस्टअप डोज है ये मेरा नंबर ऑफ फीनोटाइप नंबर ऑफ जीनोटाइप कैसे निकालते हैं भाई नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने का तरीका है थ्री टू द पावर n और मैं बात करूं नंबर ऑफ जायगोट की कर हर मैदान फतेह हर हर मैदान फतेह बंदे भाई भगवान से दुआ करना आज ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत नखरे दिखा रही है इतने टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ कुछ, 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 कुछ ना कुछ ना, कुछ, ना, कुछ ना कुछ बारिश आ जाती कल मैंने इसलिए साढ़े आठ आठ बजे मेरी क्लास थी मैंने सेवन फिफ्टी फाइव पर उस वीडियो को प्राइवेट कराया मैं बिल्कुल लास्ट दम तक ये सोचती रही कि काश नेट आ जाए तो आज कोशिश कीजिएगा कि ये मुसीबत का सामना हमें ना करना पड़े और हम लोग मॉर्फोलॉजी प्लांट शुरू कर दें रोज रोज मौसम बेईमान हो जाता है शाम को और सिर्फ उसी टाइम पर होता आधे घंटे बाद सही हो गया था स्पेशल क्लास लगी थी कल दस बजे दिस इज द फॉर्मूला माई डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ गैमेट्स या फिर फीनोटाइप निकालते हैं टू टू पावर एंड नंबर ऑफ जीनोटाइप इट इज थ्री टू पावर एंड एंड नंबर ऑफ ट को निकालने का तरीका है इट इज फोर टू दावर एन ठीक है तो ये आप कब इसमें एन क्या है यह देख लो यहां पर जो एन में जो बोल रही हूं ना एन इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हीट्रोजाइग स्पेयर दिस इज द वैल्यू ऑफ एन नंबर ऑफ हीट्रोजाइग स्पेयर ठीक है मेरे बच्चों अब जैसे देखो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी बताओ नंबर ऑफ़ गैमेट्स कितने बनेंगे नंबर ऑफ फीटो आएगा स्क्वायर कितना है वन टू थ्री तो एन का वैल्यू थ्री है तो टू टू द पावर थ्री टू टू ज फोर फोर टू जट तो आठ नंबर ऑफ गैमेट्स या फिनोटाइप बनेंगे so, uh, three, so, जीरो टाइप थ्री टू द पावर एन एन का वैल्यू कितना है थ्री तो थ्री थ्री जो नाइन नाइन थ्रेड ट्वेंटी सेवन आपके जीनोटाइप बनेंगे और फोर फोर दिक्सटी फोर सिक्सटी फोर आपके जायगॉट बनेंगे ये आप देख लो ठीक है और अगर मान लो मैं बोलूँ कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी अब बताओ नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे तो नंबर ऑफ हीट्रोसाइगस पेयर ये होमोजाइगस है भैया ये भी होमोजाइगस हीट्रोसाइगस पेयर एक ही है तो एन का वैल्यू वन है तो नंबर ऑफ गैमेट्स दो ही बनेंगे टू टू द पावर एंड वन ही है ना और नंबर ऑफ जीनोटाइप थ्री टू द पावर एन एन का वैल्यू कितना है one. ये आप ऐसे डाल ठीक है तो टू का पावर वन तो टू वन सामुला की बात की स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं मेथड से से कौन कौन से बनेंगे और कैसे कैसे बनते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी करो मेरे बच्चों स्क्रीन ले लिया ये दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला लेकिन हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं कैलकुलेट कैसे करोगे देखो पहले दो से करवाती हूँ थोड़ा सा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी लगा फॉकलाइन मैथड कैसे कैपिटल ए है ना इसका इन दोनों के साथ कैपिटल बी स्मॉल बी ऐसे ही स्मॉल ए का कैपिटल बी स्मॉल बी ये गैमिट बनाना बता रहा हूँ इसका क्या बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी ये क्या बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी ये क्या बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी ये क्या बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी तो ये चार टाइप के वन टू थ्री फोर ये चार टाइप के गैमिट आपके बन गए लगा लो आप फॉर्मूला भी लगा लो गैमेट की बात कर रहे हैं ना तो टू टू पावर एंड नंबर ऑफ आएगा स्पेयर दो है तो टू टूजा फोर देख लो ये चार बनते हैं थोड़ा सा ज्यादा नंबर पे ले आओ कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी नंबर ऑफ फीटर्स आएगा स्पेयर तीन है वन टू थ्री तो टू टूजा फोर एंड फोर टूजा आठ टाइप के गैमेट बनेंगे कैसे फॉकलाइन मेथड से भी देख लो ये कैपिटल ए है कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी ऐसा ही स्मॉल ए के साथ कर लो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी लगाओ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी

One, two, three, four, five, six, seven, eight. यार टाइप के गैमेट बन गए ना। line method में क्या होता है बेटा आप कभी भी कोई चीज आपकी मिस नहीं होती है ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज है इसकी ठीक है मेरे बच्चों यहाँ तक क्लियर है आपको बिल्कुल मेरा बच्चा नीट का एग्जाम हंड्रेड परसेंट आपका पोस्टपोन्ड होगा डोंट वरी अबाउट दिस थिंग डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है चलो इट इज़ ऑल अबाउट दिस माई डियर स्टूडेंट्स इट इज़ ऑल अबाउट दिस तो यहां तक तो क्लियर हो गया ना